Assalamualaikum everyone, this is Momina Sheikh here. How are you guys, my YouTube fellas? I hope sab theek honge, khush honge, abad honge. I am back with another video, another informative video. This video is about skin care products layering. Layering kya hoti hai aur layering kis tarah hoti hai, is bare mein aaj hum baat karenge. अगर आपको लेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता देन आप भी वीडियो देखते रहें, आपको पता चल जाएगा. सो बेसिकली जो लोग न्यू है स्किन केयर में वो तो अपनी नॉर्मल स्किन केयर ही फॉलो करते हैं, बट जो काफ़ी देर से स्किन केयर कर रहे हैं और एसिड्स भी यूज़ करते हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज़ करते हैं, AHAs एंड BHAs, उनको उनके लिए स्पेशली ये वीडियो जो है मैं बना रही हूँ. आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अगर लेयर भी कर रहे हैं तो उसको अगर आप प्रोडक्ट वेयर में लेयर करेंगे तो ही फ़ायदा है. अगर आप उसको गलत ऑर्डर में लेयर करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, अदरवाइज़ आपके पोर्स क्लोग हो सकते हैं. सो हम आज इस बारे में बात करेंगे कि लेयरिंग कैसे होती है और लेयरिंग होती क्या है वैसे. सो वेलकम टू माय चैनल स्किन एंड मोर बाय मोमिना, जहां मैं आपको देती हूँ आपकी स्किन के बारे में इंफॉर्मेशन ताकि आप अपने लिए बेहतरीन चीज़ का इंतखाब खुद कर सकें. इस लेयरिंग बेसिकली सबसे पहली बात ये है कि लेयरिंग होती क्या है. लेयरिंग बेसिकली जब आप अपनी स्किन केयर में बेसिक नीड्स के अलावा मज़ीद 3-4 स्टेप्स ऐड कर देते हैं फॉर हाइड्रेशन और फॉर ट्रीटमेंट एंड अदर पर्पसेस, तो ये मल्टीपल स्टेप्स स्किन केयर रूटीन बन जाती है और फिर उसको वन बाय वन लेयर किया जाता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स को, दैट इज़ कॉल्ड लेयरिंग. इसको लेयरिंग कहते हैं. इनका बेसिक रूल क्या है? लेयरिंग का बेसिक रूल है थिनेस्ट टू थिकेस्ट, यानी जिन प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी थिन होगी, पानी की तरह होगी, वो पहले यूज़ होंगे, और जिन प्रोडक्ट्स की कंसिस्टेंसी सीरम की तरह, जेल की तरह होगी, वो मिड में यूज़ होंगे, और जिन प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी क्रीम की तरह होगी वो एंड पे यूज़ होंगे. जैसे आपकी बेसिक स्किन केयर में भी सनब्लॉक और मॉइस्चराइज़र एंड पर आते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आप अपने फेस पे पहले मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं एंड देन उसके बाद टोनर लगा लेते हैं, आपके फेस के सारे पोर्स मॉइस्चराइज़र से ऑलरेडी फिल्ड होंगे और जो ऑन टॉप आप प्रोडक्ट लगाएंगे, सीरम लगाएंगे, वो पेनिट्रेट स्किन के अंदर नहीं होगा, आपके पोर्स ज़रूर ग्लो होंगे. सो दिस इज़ द बेसिक रूल ऑफ लेयरिंग, थिनेस्ट टू थिकेस्ट. अब लेयरिंग करनी किस तरह है, अमेरिकन और जो यूएसए बेस्ड स्टडी है उसके मुताबिक पहले उन्होंने एक पैटर्न आपको दिया हुआ है. अगर आप इंटरनेट पे देखें कि पहले आप टोनर लगाएंगे, देन आप सीरम लगाएंगे, देन आप एसेंस लगाएंगे, देन आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे, देन ऑन टॉप ऑफ आप क्रीम लगाएंगे, देन ऑन टॉप ऑफ आप ऑयल लगाएंगे. दिस इज बुलशिट. आपने वही अपने दिमाग में बात रखनी है कंसिस्टेंसी वाली, थिनेस्ट टू थिकेस्ट, यानी अगर आपका मॉइस्चराइजर एक्टिव्स वाला है, जुबान मेरी अड़ जाती है, अगर आपका मॉइस्चराइजर एक्टिव्स वाला है लेकिन आप लगाएंगे इसको मॉइस्चराइजर के एरिया में ही, ये नहीं कि अगर इसमें एक्टिव है तो मैं पहले अप्लाई कर लूँ, नहीं, ऐसा नहीं है. साइंस बेस्ड जो स्टडी है उसमें कहा जाता है कि राइट आफ्टर क्लिनजिंग आपने एक्टिव्स देने हैं अपनी स्किन को, लेकिन अगर आपके एक्टिव्स ही मॉइस्चराइज़र में हैं तो आप मॉइस्चराइज़र पहले फिर भी नहीं लगाएंगे, मॉइस्चराइज़र के टाइम पर ही लगाएंगे. मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स की लेयरिंग करनी है. पहला रूल सबका सेम है, विच इज़ क्लिनजिंग. क्लिनजिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्किन केयर. इट्स अ बेस, सॉलिड बेस होगी, क्लीन स्किन होगी, देन यू आर गुड टू गो. आपके सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पेनिट्रेट करेंगे अगर आपके पोर्स ओपन होंगे तो.
तो सबसे पहले तो डबल क्लेंस तो सबका सेम है. देन उसके बाद आता है ट्रीटमेंट एरिया. ट्रीटमेंट एरिया में आप स्टेप्स ऐड कर सकते हो, जैसे टोनर. बहुत से लोग, बल्कि अब तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर यूजिंग टोनर्स. टोनर्स इतने अमेजिंग आ गए हुए हैं कि पहले समझा जाता था, मैं खुद समझती थी कि टोनर एक बहुत ही बेकार चीज़ है, इस पर पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए. बट नाउ आई हैव कलेक्शन ऑफ टोनर्स, क्योंकि माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव. तो मैं शॉर्ट टर्म एक्सफोलिएशन के लिए टोनर्स यूज़ करती हूँ. इसके अलावा मेरे पास हाइड्रेटिंग टोनर्स भी हैं, जो कि हाइड्रेटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं. इसी तरह आफ्टर क्लींजिंग आपने टोनर अगर यूज़ करना है, वो आपकी मर्ज़ी है. आपने एक्सफोलिएटिंग टोनर यूज़ करना है या हाइड्रेटिंग टोनर यूज़ करना है, आपने टोनर यूज़ करना है. देन अगर आप एसेंस ऐड करना चाहते हैं, पहले ये एसेंस एग्जिस्ट नहीं किया करते थे, लेकिन अब टोनर्स एंड एसेंस बहुत पॉपुलर हैं. और सबसे ज़्यादा पॉपुलर एसेंस तो आपको पता है कौन सा है, डिस्नेल म्यूसिन, जो कभी मेरा ख़त्म ही नहीं होता. सो दिस इज़ ओजी फॉर मी, लाइक मैं इसको नहीं छोड़ सकती. सो टोनर के बाद, अगर आपका टोनर वाटरी है, तो आप पहले टोनर यूज़ करेंगे, देन आप एसेंस यूज़ करेंगे. एसेंस का जो की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो जेल वाली होती है ना वो सीरम वाली होती है. वो निकलता फ्लूइड की फॉर्म में है, बट एडजस्ट सीरम की तरह, हाइलुरोनिक एसिड की तरह हो जाता है. सो थर्ड नंबर पे आप एसेंस ऐड कर सकते हैं. और एसेंस अगर आपने ऐड करना ही है, तो आप ये वाला एसेंस ऐड करें. दिस इज कोजारेक्स स्नेल म्यूसिन एसेंस. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आफ्टर एसेंस आप अपना ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे. यानी अगर आपने एक्ने को ट्रीट करना है, आप सैलिसिलिक एसिड यहाँ लगाएंगे. अगर आपने पिगमेंटेशन को ट्रीट करना है, देन आप पिगमेंटेशन वाली अपनी रूटीन जो ट्रीटमेंट है वो लगाएंगे. या अगर आपने अपने एक्सफोलिएशन करनी है स्किन की, या इसके अलावा कोई भी इशू, यानी अगर आपने रेटिनॉल भी यूज़ करना है, देन इस पार्ट में आप वो करोगे. ये पार्ट जो है वो फोकस होना चाहिए ट्रीटमेंट पे, जो आपका इशू है. ट्रीटमेंट इज़ डन. अब कुछ लोग आई क्रीम्स जो है, कुछ नहीं, काफ़ी लोग आई क्रीम्स यूज़ करते हैं. तो यहाँ आप अपना अंडर आई सीरम, अंडर आई क्रीम यूज़ कर सकते हो. ये इतना जो आपकी आई क्रीम की कंसिस्टेंसी है, वो आपके मॉइस्चराइजर से थिन होनी चाहिए. उसके बाद आएगा मॉइस्चराइजर. अब कुछ लोग ये करते हैं कि मॉइस्चराइजर की भी लेयरिंग करते हैं, लाइक पहले थिन कंसिस्टेंसी वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर क्रीम यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर स्किन टाइप. आपको अपनी स्किन को सफोकेट करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन फिर भी अगर आप मेरी तरह स्किन केयर के दीवाने हैं और आपको लेयरिंग करना पसंद है, तो प्लीज़ राइट ऑर्डर में स्किन केयर लेयरिंग करें, ताकि आपको उसका कम से कम फ़ायदा तो हो. तो मॉइस्चराइजर डन, क्रीम डन, या उसके बाद अगर आपने ऑयल भी लगाना है, तो उसके बाद आप ऑयल लगा सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू कि आपको अपनी स्किन केयर कैसे करना पसंद है. वो दिखाती हूँ, लाइक प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ उनकी कंसिस्टेंसी, ताकि आपको बिल्कुल भी मुश्किल जो है वो ना रहे, और कंसिस्टेंसी वगैरह के अंदर आपको फ़र्क खुद ही पता चल जाए, ताकि आपको लेने में आसानी हो प्रोडक्ट को. सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लेयरिंग किस तरह करनी है, और कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ प्रोडक्ट्स की. तो सबसे पहले तो हो गई क्लींजिंग. क्लींजिंग आपने कर ली, डबल क्लींजिंग के बाद आपने टोनर यूज़ करना है. अगर आपने एक्सफोलिएटिंग टोनर यूज़ करना है या मिल्की टोनर यूज़ करना है, ये आप पर डिपेंड करता है. लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी पानी की तरह होनी चाहिए. बिल्कुल ये लगता नहीं है पानी की तरह, बट पानी की तरह ही है. थोड़ा सा रिच है, बट पानी के जितना ही पतला है.
उसके बाद आपके आते हैं एसेंस। अब एसेंस जो है वो सीरम से पतला होता है और टोनर से थोड़ा थिक होता है। सो ये इन बिटवीन में लगता है, लाइक ट्रीटमेंट से पहले और टोनर के बाद। ये मैंने आपको ऑलरेडी इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दी है। उसके बाद आते हैं हमारे सीरम्स, जो कि एसेंस से थोड़े थिक होते हैं। लाइक दिस सीरम, दिस इज ड्राई सीरम एंड इट्स बिट थिक एंड दिस इज माय ट्रीटमेंट एजेलिक एसिड। सो फिर ट्रीटमेंट के बाद हम मॉइस्चराइजर की तरफ जाएंगे। अब मॉइस्चराइजर की भी लेयरिंग लोग इस तरह करते हैं कि पहले लाइट कंसिस्टेंसी का जेल टाइप फेस वॉश यूज कर लेते हैं, देन उसके बाद हैवी क्रीम बेस्ड यूज कर लेते हैं ताकि जो हाइड्रेशन है वो लॉक हो जाए। एंड दैट्स इट। इस तरह आपको मैंने कंसिस्टेंसी दिखाई सारे प्रोडक्ट की। अब आपको बहुत आसानी हो जाएगी, सिर्फ आपने कंसिस्टेंसी देखनी है और उस ऑर्डर से लेयरिंग करनी है। कोई भी क्रीम जो आप ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं वो यूज़ होगी। ये आप देखें काफ़ी थिक है, ये एंड पे आएगी। दिस कंसिस्टेंसी जो है वो आखिर में आएगी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने आपको बताया कि लेयरिंग किस तरह करनी है। लेयरिंग आपने नाम से नहीं करनी, लेयरिंग आपने कंसिस्टेंसी से करनी है। आपने देखना है प्रोडक्ट थिक है या थिन है, क्योंकि हमने थिन से थिक की तरफ जाना है। दैट्स इट। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप इसने आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी होगी, बिकॉज आई रियली वर्क हार्ड फॉर दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, डू शो सम सपोर्ट। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।